हाँ भी लड़के पहुंचाए सामान बड़ी हवेली। पहुंचाए। अच्छा किया, बड़ी परेशान थी उस हवेली की मालकिन अपनी बहू के लिए। आप उन लोगों को जानते हो? उस लड़की को क्या हुआ? ये सभी जानते हैं यहाँ। हर जुमेरात को तमाम मुजावरों के लिए नजर न्याज आती है। बड़ी नजर न्याज करती है उस हवेली की मालकिन। लड़की को क्या हुआ? इस लड़की बेचारी से बड़ी बदनसीब कौन होगी बता? शादी के दूसरे दिन उसका दूल्हा कत्ल हो गया। अभी चार दिन पहले उसकी इद्दत पूरी हुई है जब उसकी सास उसको यहाँ लाई थी दुआ के लिए। इसकी नजर खा गई उसके घर। पल पल तड़पो तुम, मगर तुम्हें कभी आराम नसीब ना हो। तुमने मुझे दुख दिया है तो अब तुम भी सदा खुशी को तरसोगी। क्यों किया आपने ये सब कुछ? मुझे बताएं क्यों किया आपने ये सब कुछ? आपको सब कुछ पता था, शुरू से लेके आखिर तक आपको सब कुछ पता था, तो फिर क्यों मुझे बार बार वहां लेके गए? क्यों सामना कराया मेरा उसके साथ? मैंने कुछ नहीं किया, कुछ ऐसे ही होना लिखा था। मैं भला कौन होता हूं कुछ करने वाला? मैं तुम्हें ना भी ले जाता तो तुम्हारा सामना होना ही था उससे। तो आप मुझे रोक तो सकते थे। मैंने उसके सामने अपने आप को मार दिया था, मरा ही रहने देते। क्यों जिंदा किया आपने मुझे? तुम जिंदा हो? आधी मौत मुकम्मल फना से ज्यादा अजियतनाक होती है। खुद को मारना इतना आसान नहीं होता काका। कुछ फैसले वो अपने हाथ में रखता है, कहां तक भागोगे? कब तक भागोगे? जमीन कम पड़ जाएगी।